बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फैक्टिकल के मोज़ज़ नाज़रीन को असल नाज़रीन मोहरम अक्सर लोग कौं के बारे में अपनी अपनी राय रखते हैं ये बाकी परिंदों से मुख्तलिफ स्याह परिंदे न सिर्फ मुख्तलिफ नज़र आते हैं बल्कि बड़े ही जहीन होते हैं और कहा जाता है कि ये बड़ी से बड़ी कम्प्लैक्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेते हैं और उस शख्स की शक्ल भी याद रखते हैं जिसने इनकी मुश्किल में मदद की और उसकी भी जिसने इनको नुकसान पहुँचाया हो आज की वीडियो में हम नाजरीन को एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाएंगे जो कि चार साल तक कौवों के एक जोड़े को पालता रहा और फिर जब उसकी दोस्ती कौवों के साथ हो गई तो कौवे अपनी चालाकी आयारी और मौका प्रस्ती की तमाम तर्क खिसलतों को बालाय ताक रखते हुए उसे ऐसा तोहफा ला कर देते हैं जिसे देख कर न सिर्फ वो शख्स खुश होता है बल्कि ट्विटर पर उसको बहुत से लोग पसंद भी करते हैं नाजरीन मोहतरम ये कहानी शुरू होती है अमरीकी शहर सियटल से जहाँ एक शख्स जिसका नाम स्टूर्ट डालक्विस्ट है रहता था स्टूरट जानवरों के साथ लगाव के लिए जाने जाते हैं और इनने कई जानवरों और परिंदों को रेस्क्यू करके वापस उनको अपनी हैबिटेट में छोड़ा है स्टूर्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो कौं के एक जोड़े को कई सालों से खाना डाल रहे थे कि एक दिन उनने उनके लिए एक तोहफा लाया उन्हें मजीद कहा कि वो एक अरसे से हर तरह के परिंदों के साथ बेहद लगाव रखते हैं और उनको देखना उनकी आवाज़ें सुनना और उनकी मुश्किल में मदद करना यही उनकी ज़िंदगी के शौक़ हैं उन्होंने मज़ीद कहा कि इन्हीं मेरे पसंदीदा परिंदों में ये कौवे भी हैं जिनने मेरे घर के पास अपना घोंसला बनाया है एक दिन मैंने देखा कि इन कौओं के बच्चे घोंसले से गिर गए हैं और हमने इन बच्चों को उठा कर वापस रखा हमने जब यह काम किया तो इन कौओं ने गुस्से से बहुत आवाज़ें भी निकाली लेकिन हमारे काम को ग़ौर से देखने के बाद उन्हें यकीनन हमारी शक्लें याद कर लीं क्योंकि कौं के अंदर एक खसूसियत यह होती है कि ये इंसानों की शक्लें याद रख सकते हैं और पहचान जाते हैं कि किस इंसान ने इनको नुकसान पहुंचाया था और कौन सा इंसान इनका दोस्त है सूर्ट ने बताया कि जब वो घर से निकलते हैं तो ये कौवे उनके आस पास दरख्तों की शाखों पर उड़ते रहते हैं और जब सूर्ट घर वापस आते हैं तो ये कौवे घर की चार दीवारी पर बैठकर शोर मचाते हैं जिसका यही मतलब होता है कि ये अब भूखे हैं फिर टुरट उन्हें खाना डालते हैं और यूं ये सिलसिला चलता रहता है नजरीन मोहतरम एक दिन ऐसा हुआ कि इस जोड़े की मादा वापस ना आई जिसका वाद मतलब यही था कि वह मर चुकी है अब बच्चों की हिफाजत और खुराक की जिम्मेदारी सिर्फ उनके बाप पर थी जो कि उस अकेले कवे की बस की बात नहीं थी चनाचर टुरट और उसकी फैमिली ने इस कवे को एज अ पेट रख लिया और वह ना सिर्फ उसको खाना देते रहे बल्कि उसके बच्चों की भी देखभाल जारी रखी मुश्किल वक्त में इस मदद को इन परिंदों ने भुलाया नहीं और शुक्रिया के तौर पर उनने स्टूरट के लिए तोहफा लाया स्टोरट को यह अंदाज़ा नहीं था कि ये कवे उसके एहसान का बदला देंगे और वो इस वजह से परिंदों की मदद नहीं कर रहे थे कि इन्हें परिंदों से कोई मतलब था लेकिन इन परिंदों के अंदर शायद एहसान फरामोशी नहीं थी स्टूरट ने कहा कि उनने जब यह पहला तोहफा देखा तो वह कन्फ्यूज़ हुए कि आखिर ये है क्या और किसने ये यहाँ रखा है स्टोरेट का कहना है कि वह गंदगी फैलाने के बहुत खिलाफ़ हैं इस वजह से वह हमेशा जिधर भी कोई चीज़ देखते हैं उसको उठाकर डस्टबिन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं लेकिन उस जगह के दरम्या में एक ऐसी चीज़ का पड़ा होना जो उस जगह मौजूद नहीं होनी चाहिए थी जहां वो इन परिंदों को खाना डालते थे यकीनन एक अजीब और गरीब बात थी ये कवे कोई बड़ा तोहफ़ा तो स्टोरट को शायद न दे सकते थे लेकिन उनने अपनी तरफ से इस तोहफ़े को ख़ास बनाने की मुकम्मल कोशिश की यह तुहफ़ा असल में एक दरख्त की छोटी सी शाख थी जो कि कोल्ड ड्रिंक के कैन के की टैब में डली थी नाजरीन मोहतरम जानवरों के लिए कहा जाता है कि अगर वो इंसान के दोस्त बन जाएं तो उनसे अच्छा दोस्त और कोई हो ही नहीं सकता इसकी एक वजह तो यह है कि जानवरों की दोस्ती बेलोस होती है और दूसरी वजह यह कि जानवरों के अंदर इंसानों की तरह के मिले जुले जज्बाते वफ़ा मौजूद नहीं होते बाज लोग जानवरों को किसी बेजान चीज से ज्यादा नहीं समझते और उनको किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाने में बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं करते लेकिन बाज़ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो जानवरों और परिंदों का ख्याल रखते हैं और यूं उनके साथ जानवरों और परिंदों की दोस्ती हो जाती है और ये बेलोस दोस्ती कई अरसे तक कायम रहती है मजदीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अगली वीडियो में फी अमान ला